और भारतीय किसान फ्रंट का जो संयुक्त किसान फ्रंट है उनके लोगों से मिल रहा हूं, और एसएससी 2018 जीडी वाले 2018 के स्टाफ सर्विस कमीशन के मेरे लाखों भाई बहन जो लोग 3 साल से अपनी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के लीडरों से मिल रहा हूं, और कल कुछ लीडर जो हैं वो हमारी इस बात को अपनी मीटिंग में रखेंगे। मैंने उनसे दरख्वास्त किया है कि सर किसानों का जो चल रहा है, ये जो बच्चे जो जवान के लिए सेलेक्ट होना चाहते हैं हमारे भाई बहन, उनके भविष्य में बहुत खतरे हैं। 3 साल से वो अपनी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनको सरकार अभी भी ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। कभी कहते हैं 50,000 या 54,000 लोगों को लेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है मीडिया के तमाम चैनलों को, मैंने जी टीवी वालों से भी रिक्वेस्ट किया है, TV9 के लोगों से भी मैंने मुलाकात की है, और आज मैं उनसे पुनः बात करूंगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जो फिजिकल टेस्ट पास कर चुके हैं, रिटन टेस्ट पास कर चुके हैं, मेडिकल टेस्ट पास कर चुके हैं, और कोई टेस्ट बचा नहीं है, तो उनके भविष्य को खराब ना करें। मैं माननीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप इन लोगों को ज्वाइनिंग दें, और अगर ये कहा जाए कि केवल 50,000 या 54,000 को आप दोगे तो ये इंसाफ नहीं है, क्योंकि जो मेडिकली फिट बच्चे हैं, जिन्होंने मेडिकल टेस्ट पास किया है, रिटन टेस्ट पास किया है, ये उनका अधिकार है सर, और अधिकार इस तरह से छीना नहीं जा सकता। आप नए भर्तियां करना चाहते हैं करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन उन लोगों को भी भर्ती पहले दीजिए सर। वेटिंग वालों का कोई जवाब नहीं सर, बड़ा लंबा लिस्ट है सर। कटआउट मार्क्स ऐसे करते रहे 0.27% के लिए बच्चों का कैरियर न बर्बाद कीजिए सर, बर्बाद नहीं होने चाहिए सर। वो बच्चे इस नौकरी के भरोसे बैठे हुए हैं, कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। एसएससी जीडी 2018 बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, और कई सारे लोग 14 तारीख को आना चाह रहे थे जंतर मंतर, ये उनका पूर्व का कार्यक्रम है, कोई मेरा कार्यक्रम नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा बगैर परमिशन के कहीं ना आए, लेकिन मैं किसान आंदोलन के नेता सभी से मिल रहा हूँ, संयुक्त किसान मोर्चे के लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि किसान आंदोलन में कोई भी आ सकता है, कोई भी आ रहे हैं, लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रदर्शन को कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कल बात की है कि किसान के साथ अगर ये बच्चे जो जवान के लिए सेलेक्ट होना चाहते हैं अगर ये कनेक्टेड हो जाए, तो मैं संयुक्त किसान मोर्चा, यूनाइटेड फार्मर्स फ्रंट दिल्ली, जहां मैं कल भी था, परसों भी था, आप मेरे को फेसबुक में देख सकते हैं, तमाम पंजाबी चैनलों में भी देख सकते हैं, विभिन्न यूट्यूब चैनलों में देख सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि एसएससी जीडी के जो बच्चे हैं 2018 के, जिन्होंने मेडिकल टेस्ट पास कर लिया है, उनको उनका हक दिया जाए, क्योंकि हम इस तरह से युवाओं का हक नहीं छीनने देंगे। आप अपनी डींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी 100 स्मार्ट सिटी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आपके डींगों में हमें नहीं जाना है। ये जो बच्चे एसएससी जीडी 2018 के जो मेडिकली फिट हैं, इनमें से हर एक बच्चे की ज्वाइनिंग चाहिए। इस तरह से आप इनका हक नहीं छीन सकते। क्या बोलेंगे वो अपने घर में? हजारों बच्चे ओवर एज हो चुके हैं आपके 3 साल का इंतजार करते करते, कब तक घर बैठे रहेंगे? एग्जाम पास कर रहे हैं, पहले वो 3 साल कोचिंग में लगाते हैं, पहले वो 3 साल कोचिंग में लगाते हैं, उसके बाद जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा, अपनी प्रतीक्षा में 3 साल करेंगे तो अपने जीवन को बिताएंगे कब? उनका पेशेवर जीवन कब शुरू होगा? उनके दिल में जज्बा है। आज आप देख रहे हैं आईटीबीपी के लोगों को, एनडीआरएफ के लोगों को उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन में, और ये लोग भी देश के तमाम स्टेशन में जाते हैं, एसएससी वाले, स्टाफ सर्विस कमीशन। मैं कमीशन के वरिष्ठ लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा, और इस वीडियो से रणवीर सिंह जी को भी निवेदन करूंगा कि रणवीर जी, मेरे और आप में कोई गतिरोध नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे आपसे कोई गतिरोध है सर, आप मेरे से बुजुर्ग हैं। कृपया करके कोई वीडियो बनाते हैं ना मेरे लिए बात करने में, तो मेरे लिए समय निकाले रणवीर जी। मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चलना चाह रहा हूँ, आपका सपोर्ट करना चाह रहा हूँ सर। आज मुझे भी लोग सुन रहे हैं, आप इस मुहिम को चला रहे थे, ये मत बोलिए कि रेबल से जाके बात करो, ये उचित भाषा नहीं है सर। मैं आपसे छोटा हूँ, आप खुद एक अर्ध सैनिक है, ये तो मैं भी मानता हूँ, आप भी जानते हैं। आइए ना सर, इन बच्चों के लिए एक हो जाते हैं, आइए ना सर, किसान आंदोलन में चलते हैं, उन लोगों से बात करते हैं, वहां पे लाखों लोग आते हैं, लंगर चलते हैं, लोगों को खाने की व्यवस्था तो मिलेगी बच्चों को कम से कम, बगैर परमिशन के कहीं दिल्ली में चले जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, अच्छी बात नहीं होगी ना सर, क्योंकि मुझे नहीं पता कि परमिशन है या नहीं, और मैं गैर कानूनी काम में कभी नहीं जाऊंगा, ना किसी युवा को कभी बोलूंगा कि आप जाओ, परमिशन लीजिए आइए,
अभी तो जैसे मैं किसान आंदोलन जाता हूँ, दुनिया भर के लोग आते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आते हैं। अभी आइए, अपने विचार को रखिए, बात कीजिए, मैं तो बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और मैं आपकी मुहिम को साथ हूँ, आपकी मुहिम को छोड़ूंगा नहीं। SSC GD 2018 के बच्चों को, लाखों बच्चे जिनकी हक छीना जा रहा है, उनका हक दिलाने के लिए मैं अपना अंतिम सांस से लड़ाई लड़ूंगा। और हमेशा सड़क में होता हूँ, ये नहीं कि रात में अकेले जाके वीडियो बनाता हूँ, और मैं कभी किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करता। तो मैं माननीय रणवीर जी आपसे अनुरोध करूंगा, आपने जो टिप्पणी कर दी मेरे लिए, मैं फिर भी आप बड़े हैं सर, आप उससे बड़े हैं, आपने इस मुहिम को शुरू किया, मैं आपको फिर भी सैल्यूट करता हूँ सर, और मैं आपके साथ आपका छोटा भाई बन के लगूंगा सर, आपको बल मिलेगा सर, मुझे भी लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं सर, उठाता हूँ मैं मुद्दे अपने मुल्क के लिए। ये बच्चे मुझे पिछले 15 दिन से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं इनकी आवाज को ना सुनूं। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने कमेंट लिखे, मैंने कभी नहीं बोला मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ना मैं आज कहूंगा, लेकिन अपनी आवाज को पहुंचा दीजिए तमाम व्हाट्सएप के ग्रुपों में, हर जगह आवाज को पहुंचाइए अपने, ताकि लोगों को पता चले कि आप लोगों का हक छीना जा रहा है। जब नित्यानंद राय जी सभा में कहते हैं, सदन के नेता है, वो कहते हैं कि वैकेंसी है 1 लाख से ऊपर, तो आप लोगों का अधिकार क्यों नहीं दिया जाएगा आप लोगों को? रेबल फाउंडेशन, रेबल सरानंद पति और मेरे तमाम साथी आप लोगों के साथ है, SSC GD 2018 के साथ है, और मैं कल फिर भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा उनसे जाके मिल रहा हूँ। मेरी लखविंदर सिरसा जी से आज भी बात हुई है, वो मेरे लिए मुद्दा उठा रहे, कल मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, और मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम लीडरों से कि सर SSC GD 2018 के लाखों बच्चे जो जवान बनना चाहते हैं, वो आपके आंदोलन में आपका समर्थन चाहते हैं, क्योंकि ये केवल किसानों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, देश के वो बच्चे जो जवान बनने जा रहे हैं उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, और हम अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, बैड गवर्नेंस के खिलाफ खड़े हैं, हमारी आवाज आपके लिए है। जय हिंद, जय भारत।